लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गाजियाबाद, 2 दिन से लापता बच्ची की लाश बोरे में मिली, रेप का शक। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के आदर्श नगर इलाके में 2 दिन से गायब बच्ची का शव बोरे में बंद मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद, 2 दिन से लापता बच्ची की लाश बोरे में मिली, रेप का शक। प्रतीकात्मक तस्वीर। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्ची गुरुवार शाम से अपने घर से लापता थी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत कर मामला दर्ज कराया था। दिल दहला देने वाली यह घटना गाजियाबाद के आदर्श नगर इलाके की है, जहां शनिवार की सुबह यूपी पुलिस ने एक घर की छत पर रखे बोरे से बच्ची का शव बरामद किया। दरअसल बच्ची के शव को बोरे में बंद कर छत पर रखा गया था, जिसके बाद पड़ोस के लोगों को बदबू महसूस हुई। इसके बाद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरे को खोला तो उसमें बच्ची का शव निकला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि गुरुवार शाम बच्ची खेलने के लिए अपने घर के बाहर निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। बच्ची के गायब होने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 5 साल की बच्ची LKG की छात्रा थी। परिवार ने पुलिस को बताया, बच्ची खेलने के लिए घर से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन वहीं से वो गायब हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों से भी उसके बारे पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। परिवार के मुताबिक वहां मौजूद CCTV में भी वह घर से कुछ दूरी पर खेलती दिखी थी। उसने वहां मौजूद मंदिर से प्रसाद भी लिया था। प्रसाद लेने के बाद वो कहां और कैसे गायब हुई, इसका पता नहीं चला। बच्ची के पिता मुकेश एक सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं।